दोस्तों, जन्नत से निकलते वक्त इबलीस शैतान ने अल्लाह ताला से ऐसा क्या मांगा जिसे हर मोमिन के लिए जानना जरूरी है। तो जब शैतान जन्नत से निकला तो सबसे पहले उसने मकान का सवाल किया और बोला, ए परवरदिगार, मैं जिस तरफ भी देखता हूँ तेरी ही वहदानियत नजर आती है और जमीन भी तेरी ही है, तू बता मैं रहूंगा कहाँ। तो हुक्म आया, जिस जगह भी गुनाह होगा वो जगह तेरा घर होगा। फिर इबलीस सवाल करता है, मेरी गिजा क्या है, मैं खाऊंगा क्या? तो जवाब आता है, इंसान जो भी खाना बगैर बिस्मिल्लाह के खाएगा वो तेरी खुराक होगी। फिर कहता है, मैं पीऊंगा क्या? हुक्म होता है, शराब तेरा मशरूब होगी। फिर कहता है, तूने औलादे आदम को किताब अता की, मुझे भी किताब अता कर। हुक्म हुआ, तेरे लिए जादू की किताब है। फिर कहता है, ऐ अल्लाह, तूने इंसान को दुआ और सजदा दो हथियार दिए, मुझे भी कोई हथियार दे। तो हुक्म हुआ, तेरे लिए सबसे मजबूत हथियार औरत है, जिससे तू इंसानों को गुमराह करेगा।